एक साथ एक आंगन से निकली बेटी की डोली और पिता की अर्थी। घटना से पूरे गांव में पसरा मातम। एक साथ पिता की अर्थी निकली तो बेटी की डोली, जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। मामला गोमो के जीतपुर गांव की है, जहां बेटी ममता कुमारी की शादी हुई तो वहीं पिता छत्रधारी उर्फ अस्पताली महतो की अर्थी निकली। घटना के संबंध में बताया जाता है कि झारखंड आंदोलनकारी पुनीत महतो का पुत्र छत्रधारी महतो शनिवार को ईसरी हटिया बाजार में बाइक से बकरा लेने गया था। इस दौरान वापस आने के क्रम में बकरे के गले से बंधा रस्सी सड़क में लटक रहा था, जिसे देख एक ऑटो वाले ने उसे बकरे का रस्सी लटकने की बात बताया, जिसके बाद बकरे की रस्सी को उठाने के क्रम में वो अपने बाइक का नियंत्रण खो बैठा और सड़क किनारे खड़ी एक वाहन से टक्कर मार दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे आनन फानन में डुमरी अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद धनबाद के SNMMCH ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी स्थिति को देखते हुए रांची के रिम्स में रेफर किया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इधर मृतक की पुत्री ममता कुमारी का विवाह 19 अप्रैल को चेचांकी के खूंटा निवासी कुलदीप महतो के पुत्र अजीत महतो के साथ तय हुई थी, लेकिन छत्रधारी महतो के आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु की सूचना पर ममता का विवाह आनन फानन में जीतपुर स्थित शिव मंदिर में करा दिया गया। वही मृतक का शव जीतपुर आवास आते ही पूरा गांव में चित्कार मच गया। परिजनों के चित्कार से उपस्थित ग्रामीणों की आंखें नम हो गई। मृतक का अंतिम संस्कार जीतपुर के जमुनिया नदी घाट पर किया गया। पेट का रिम्स गए, ऑपरेशन करवाया, 8-9 बजे तक कर दिए। अभी आ गया पूछो तो थोड़ा नजदीक तक आइएगा आपको। यहाँ ठीक सर जी, ये जीतपुर बस्ती का है। ये पुनीत लाल महतो, इसका बेटा छत्रधारी महतो। यहाँ से दो लड़का जो है गया था निमिया घाट, वहाँ बोला सस्ता में पाठा मिलता है, ये सब पाठा लेने के लिए वहाँ गए। वहाँ से खरीद के वो सब वापस घर आ रहा था। रास्ते में जो है ये घटना घटी और उनका बेटी का शादी जो है 19 अप्रैल को होने वाला था। उनका भतीजी का भी शादी 21 अप्रैल को, दो शादी उसका घर में था। और ये एक तो भतीजी का शादी नहीं हो पाया, कारण लड़का बेंगलोर में है, उसको आने में थोड़ा सा कठिनाई हुआ। और लड़के का शादी जो आनंद फानंद में आज हम लोग सब गाँव वाले मिल के ये आनंद फानंद में लड़के को बुला के यहाँ अभी शादी करवाया, शादी विदाई करवा दिए। और लड़का अभी यहाँ से एक्सीडेंट होने के बाद हम लोग PMCH यहाँ से ले गए और वहाँ से रेफर कर दिया रिम्स में, कि रिम्स ले जाइए। तो रिम्स में उसका इलाज के दौरान उसका देहांत आज रात में 8 बजे के लगभग देहांत हुआ। वापस
अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा प्रभु जी प्योर फूड। चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको।